सर नमस्कार। अरे नमस्कार प्रदीप जी, आइए बैठिए। ये आज निम्बोलियों के साथ क्या खेला जा रहा है? मैथ छोड़ दिया क्या? अरे मैथ नहीं छोड़ा है, कुछ निम्बोलियों से ही, कंकड़ पत्थरों से ही करने की कोशिश कर रहे हैं मैथ के बच्चों को, ताकि अच्छे से समझ में आए। इन्हीं से मैथ? इन्हीं से मैथ। अरे वाह। इन्हीं से कुछ महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालने की विधि देख रहे हैं। अच्छा, वो तो बोर्ड पे समझाई जाती है? नहीं, ये कंकड़ पत्थरों से भी समझाई जा सकती है, निम्बोलियों बिनोलियों से भी समझाई जा सकती है, और हमारे बीन्स जो होते हैं वो तो अपनी क्वालिटी के ऊपर है कि हम कौन सी चीजें यूज करते हैं। वो क्वालिटी भी कुछ नहीं है, यदि कंकड़ पत्थरों से भी वही निकलेगा, बिनोलियों से भी निकलेगा और बीन्स से भी निकलेगा। अब बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ेंगे तो गणित और अच्छे से समझ में आएगा, तो इसलिए आज ये कुछ करने की कोशिश की है। तो ये हमें भी समझाएं? हाँ, आपको भी, और आप सभी भी देखिए कि आज कंकड़ पत्थर या बिनोली से या फिर बीन से कैसे हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। तरीका होने जा रहा है, आप सभी को ध्यान से देखें बच्चों। ठीक है, ठीक है। आज अब आप कोई संख्या ले लीजिए, दो संख्याएं मुझे दे दीजिए कोई भी, उनका हम लघुत्तम और महत्तम यहीं पे इनके साथ निकाल के आपको दिखाएंगे। जी, तो संख्या मेरी है 12 और 15 के। अब हम इन त्रिकोणियों से 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले आपकी दी गई संख्याओं के अनुसार हमने 15 डिकोली यहाँ ले ली है और 12 इधर ले ली है, ये संख्याओं के रूप में हमने ले ली है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि छोटी संख्या कौन सी है, छोटी ढेरी कौन सी है, ये है। कितने बीन्स की ढेरी है ये, कितनी? 12 की है। क्या हम इसकी भी 12 की इक्वल ढेरिया बना सकते हैं? 1 12 की हमने ये बना दी जी। लेकिन यहाँ पे क्या बच गए? 3 बच गए, एक्स्ट्रा बच गए, तो एक्स्ट्रा नहीं बचने चाहिए। अच्छा, इसमें यही ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा नहीं बचने चाहिए, 3 एक्स्ट्रा बच गए। फिर हम छोटी संख्या की तरफ आएंगे। अब इसकी 2 ढेरी बनाने की कोशिश करेंगे, 2 बराबर ढेरी इसकी बन जाएंगी, 6 की। ये देखिए, 6 की 2 बराबर ढेरी बन गई। अब 6 की बन गई है तो इसकी भी हम 6 की ढेरी बनाने की कोशिश करेंगे, 6 की ढेरी 2 बन गई और 1 3 फिर बच गई, बराबर ढेरी नहीं बनी है ना, तो बराबर ढेरी नहीं बनी है। फिर हम इसकी तरफ आएंगे। अब कितनी ढेरिया बनाएंगे इसकी? 2। अब क्या बनाएंगे? 3 ढेरिया बनाने का प्रयास करेंगे हम इसकी। 3 ढेरिया क्या? 3 ढेरिया पूरी पूरी बन जाएंगी, 4 की बनेगी। ये देखो, 4 की 3 ढेरिया पूरी बन गई। अब 4 की ढेरिया यहां भी बनाने का प्रयास करेंगे हम इस संख्या में भी, तो 4 की मेरे पास 3 ढेरिया बन गई जी, लेकिन 3 फिर बच गई, यहाँ पे 4 नहीं है जी, 4 ढेरी में 4 नहीं है, डिकोली या बिनोली नहीं है। अब इसकी कितनी ढेरी बनाएंगे हम? 4 ढेरी बनाने का प्रयास करेंगे। क्या 4 बराबर बीन्स की या बराबर पत्थरों की ढेरियां इसकी बन सकती? ये देखो, ये बन गई है 3-3 की। अब इसकी भी देखेंगे, क्या 3-3 की ढेरियां बन जाएंगी बराबर? ये तो 5 बन गई उधर, बराबर बन गई ना, सारी ढेरियों में 3-3 ही हमारे पास बिनोली है। अर्थात यदि 3-3 में ये सारी की सारी संख्याएं बट गई तो हमारा महत्तम समापवर्तक 3 है। अच्छा, 3 है, 3 महत्तम समापवर्तक है 12 का और 15 का। ये तो सही है, बिल्कुल सही आ गया ना। यस सर जी, ये तो हमने इसका चलो निकाल लिया, अब लघुत्तम कैसे निकालेंगे? लघुत्तम समापवर्तक का भी उत्तर हमारे पास यही है। यही है, हाँ, इन्हीं ढेरियों को और बीन्स को ध्यान से देखें, इसके अंदर कितनी ढेरी है? 4, और इसमें कितने बीन्स हैं टोटल, मतलब कितनी डिकोड़ी है? 15 है, 15 को 4 से गुणा करें, 15 × 4 = 60 इनका महत्तम समापवर्तक है, या 60 इनका लघुत्तम समापवर्तक है। ठीक है, अब दूसरी तरफ भी ले सकते हैं, इसमें कितनी ढेरियां हैं? 5 है, और बीन्स कितने हैं इसमें? इसमें 12 है, 12 × 5 = 60 लघुत्तम समापवर्तक वही आएगा। मतलब एक संख्या की ढेरी गिननी है, दूसरी संख्या की टोटल इसके अंदर कितने कंकड़ पत्थर या बिनोली है। आ गया समझ में? बहुत ही अच्छा तरीका था। एक और संख्या बोल दे छोटी छोटी, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 8 और 12, 8 और 12 लिया है आपने, ठीक है, 12 हमारे पास है, ये 12 इधर है, ठीक है, और ये मैंने 8 और ले लिया इधर। ठीक है, अब देखना क्या है कि सबसे पहले तो छोटी संख्या हमारे पास 8 है, हम देखेंगे कि क्या 8 की यहां बराबर ढेरियां बन रही है 8-8 बिनोली की? नहीं बन रही है ना, एक ढेरी बन गई और दूसरी में कितने बच गए? 4 बच गए। अब इसके 2 इक्वल पार्ट करेंगे हम, 2 इक्वल पार्ट इसके हो जाएंगे, हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं छोटी संख्या ही करने में। क्या इसकी 4 की ढेरियां बन जाएंगी? बन गई, पूरी पूरी बन गई, तो महत्तम समापवर्तक क्या हो गया?
महत्तम समापवर्तक सर, जितनी डेयरियों में एक डेयरी चार, महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, चार हो गया ना बिल्कुल। और लघुत्तम आप खुद बताएं, एक की डेयरी गिननी है दूसरे के बीन्स, इसमें कितनी डेयरी है तीन, और इसमें बीन्स है आठ, आठ तीन चौबीस, या इसकी डेयरी गिन ले दो, इसमें बीन्स कितने हैं बारह है, बारह बीन्स है, बारह दूनी चौबीस, इनका लघुत्तम समापवर्तक आ गया। अब तरीका अच्छा है, अच्छा है ना। एक संख्या और देख लेते हैं, आठ और नौ, आठ और नौ ठीक है, ठीक है ना जी। अब आठ हमारे पास छोटी संख्या है, क्या नौ को हम इक्वल डेयरियों में बांट सकते हैं आठ आठ की में? नहीं, एक बच गया ना। अब इसके हम क्या करेंगे, चार चार बनाएंगे, ठीक है ना, दो डेयरी बन गई। क्या इसकी चार चार की डेयरियां बन सकती हैं? दो बन गई लेकिन एक एक्स्ट्रा बच गई, ठीक है ना। फिर हम आगे चलेंगे, क्या इसकी तीन तीन की बराबर डेयरियां बन सकती हैं? यही नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। तो फिर अब हम चार 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 डेयरी बना के देखेंगे, इसकी दो दो की चार डेयरी बन रही है, बन गई। तब इसकी दो दो की डेयरियां हम बना के देखेंगे, क्या पूरी डेयरियां बन गई? नहीं बनी है। तो अब दो के बाद फिर क्या आएगा, एक एक आएगा, आ गया ना, एक एक की डेयरियां बन गई। क्या इसकी एक एक की डेयरियां बन जाएंगी? एक एक की तो सभी की बन जाएगी, सभी की बन जाएंगी, क्योंकि एक सबका गुणनखंड होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसका महत्तम समापवर्तक क्या आ गया, एक। अब इसका महत्तम समापवर्तक क्या आ गया, एक, एक आ गया, एक आ गया ना, क्योंकि एक की ही ढेरी बनी है, एक जिसमें एक बीन्स है। और लघुत्तम के लिए इसमें आठ ढेरियां हैं, इसमें नौ बीन्स है, आठवीं में बहत्तर, या इसमें नौ ढेरियां हैं, आठ बीन्स है, नौ अठे बहत्तर। अर्थात ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका महत्तम समापवर्तक हमेशा एक होता है, और उनका लघुत्तम हमेशा उन दोनों संख्याओं की गुणा होता है। ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका समझाया मनोज जी आपने, और उम्मीद है बच्चों आपको ये पसंद आया होगा। आप भी इसको घर पर अलग अलग संख्याओं के साथ ट्राई करके देखें। बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी, क्योंकि बच्चे खेल खेल में बहुत ज्यादा सीखते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं, और ये खेल है, खेल के द्वारा ही लघुत्तम महत्तम वो आसानी से निकाल सकते हैं। आप भी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहन के साथ इसको खेलिए, और खेल खेल में ही गणित को सीखिए, क्योंकि संडे इज फन डे।